एशिया की सबसे सुरक्षित और बड़ी तिहाड़ जेल में 72वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तिहाड़ के डीजी अक्षय कश्यप ने झंडा फहराया। इस दौरान पुलिस बैंड की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। इस दौरान जहां अच्छे पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया, वहीं अच्छा व्यवहार करने वाले कैदियों की सजा में 15 से 1 महीने तक की सजा माफ करने का ऐलान भी किया गया। सेमी ओपन जेल एक बहुत बड़ा कदम रहेगा उनके रिफॉर्म के प्रति। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रूल्स ऑलरेडी गवर्नर साहब ने नोटिफाई कर दिए हैं, हमने अपनी व्यवस्था पूरी कर ली है। इसकी इनॉग्रेशन हम समझते हैं कि अगले 5-10 दिन में हो जानी चाहिए जी। इसके माध्यम से जो कैदी अपनी ज़्यादातर सजा काट चुके हैं, लेकिन कुछ अंश सजा का बाकी है, उनको इन जेलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये एक्चुअली जेल परिसर से कॉम्प्लेक्स की परिसर के अंदर है, लेकिन जेल परिसर के बाहर है, और इनके ऊपर कम अंकुश कम निगरानी होती है। इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आप को सिविल सोसाइटी में दोबारा री इंटीग्रेट कर सकें। ये जल्दी हो जाने वाला है, प्रोजेक्ट कम्प्लीट है ऑलमोस्ट, हमें सब तरह का अप्रूवल मिल चुका है। तिहाड़ के कैदियों को सजा के ऐलान से करीब 1000 उन कैदियों को फायदा होगा जिन्होंने जेल में रहकर अच्छे काम किए, साथ ही महिला कैदी भी सेमी ओपन जेल में आजादी की सांस ले पाएंगी। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।